फाइनली मैं मायके वापस आ चुकी हूँ और बोल रही थी भाभी के यहीं रह लो दीदी, अब यहीं रेस्ट कर लो मत जाओ, वो तो मना ही कर रही थी, फिर भी मैंने बोला नहीं मैं अभी मन कर रहा है मम्मी से मिलने के लिए, अभी मैं वहाँ चली जाती हूँ, फिर जाऊँगी, फिर जाना है, अभी तो ट्रीटमेंट चलेगा काफ़ी लंबा टाइम, तो उन्होंने बहुत जिद किया रुकने के लिए, पर मैंने बोला नहीं मैं कुछ टाइम अब जब मम्मी के पास रहूँगी, और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरे लिए किया, बहुत अच्छे से सब चीज़ें की हैं और बहुत गौर की मेरी, मतलब जिसे बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद कर भी दी हैं, खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ भाई दिवा के गया है, अभी ने मंगा के भी दिया, आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी क्या मंगा के दिया है, फ्रूट्स के लिए पैसे दे के गए हैं, फ्रूट्स लिवाए मुझे, और खाने पीने में जो भी बोला वो ही एकदम मंगा के दिया, फल फ्रूट भी, मतलब ये देखो खाने के लिए सुबह को जो है केले दे दिए, सेब काट दिए, फिर नाश्ता करा दिया, दूध दे दिया, मतलब खाने पीने में कोई कमी नहीं रही बिल्कुल भी, बहुत गौर करी, टाइम टाइम पर डॉक्टर नहीं गई, यहाँ भी लेके गई है मतलब ट्रीटमेंट्स के लिए भाई, अब छोटे बच्चे का साथ भी था, काम भी कुछ नहीं करा मैंने, बस आज थोड़ा बहुत आज करा, उसको भी लिए डांटने लगी छोड़ दो लेट जाओ कुछ मत करो, मैंने कहा मैं पड़ी पड़ी बोर हो रही हूँ, कह रही कि जब तबीयत ख़राब है लेटो, तब भी रुक के दे रही थी मैंने दो एक बर्तन साफ़ करे हुए, उसमें भी डांट रही थी कि लेटो ना बर्तन वर्तन हम नहीं साफ़ करवाते जब तबीयत ख़राब है, कह रही थी मत जाओ रह लो, मैंने कहा नहीं मैं कुछ दिन मम्मी के पास रह लूँगी, ऐसी कोई नो क्यों जा रही हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ भाई, बहुत अच्छा करा, आप सब बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी जो दवाई आई है उनमें भी अभी नहीं पैसे दिए हैं, मैंने कोई पैसा अपनी दवाई में नहीं लगाया, और रही मेरे हस्बैंड की बात तो थोड़ी सी हेल्प मेरे हस्बैंड ने भी की है, अभी देखो मेरे लिए मैं जो बात अब वही बोल रही हूँ, थोड़ी सी हेल्प उन्होंने की है, और कुछ मेरी भाभी ने मतलब थोड़ी बहुत ही हस्बैंड ने की है, बाकी जो मेरी दवाई आई हैं दो भर की वो भाभी ने दिलाई हैं, उसमें ये मान लो कि 5% उन्होंने किए तो 25% 30% इस तरीके से, और मेरी जो दवाई आई आज वो आज भी उस दिन भी काफ़ी महंगी आई, जो फीस भी दो डॉक्टर को दिखाया दोनों की फीस भी वो उन्होंने ही दी है और दवाई भी उन्होंने दिलाई है, जो बात है वही बोलूँगी, मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, और अभी दवाई भी दिला के उन्होंने भेजा है मुझे, थैंक यू मेरे बच्चों ने मुझे फूल दिए, थैंक यू, तो मतलब बहुत सारा प्यार, बहुत खुशी, वो है ना थोड़ा माहौल का भी फर्क पड़ता है अपनों के साथ में, जब हमारे अपने हमसे मिलते हैं उनसे हम खुलते हैं मिलते हैं बात करते हैं तो थोड़ा मन भी वो होता है, बहुत सब अच्छा अच्छा रहा, और आप सबने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सच बता रही हूँ कि शायद तो फाइनली जो है मुझे भाई छोड़ के गया है, और वो उसे कुछ काम था कहीं और गए मुझे छोड़ गए, तो जब मैं चली तो वीडियो में शेयर करूँगी, कुक्कू बहुत रोई, आज तो मेरी कोच से निकल गई थी फर्स्ट टांग लिया पैर पे, मैं भी जाना है चलो मम्मी बाय ओके, मतलब चलते टाइम वो इतनी रोई मेरे पे इतना जोर पड़ा, बाकी भी थोड़ा उदास थी क्योंकि मन लग रहा था बहुत, अपनी का भी बहुत मन लग रहा था, और कुक्कू तो नीचे तक आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ रो रही थी, उसकी मम्मी ने मुझसे भी संभाला उसको, फर्स्ट टांग लेती थी फिर भी चलो मम्मी बाय, बाजी के साथ जा रही हूँ, बाबा माजी के पास जा रही हूँ, मम्मी बाय, राधे राधे, फर्स्ट टांग ले मेरे हिंद तार तार के अपने गले में टांग ले, पूरी आग तो पूरी रोई, बहुत देर में तो सांस आया उसको, बहुत रोई मेरे मारो, अभी यहाँ पर जो है ना दूध की पतीली रखने वाली होती है उसको गिड़गम बोलते हैं हम लोग, और पहले ज़माने में ऐसी होती थी, अभी के ज़माने में तो बनती है पर बहुत कम बनती है, पर ये हमारी टूट रही थी तो दो तीन जगह इसके डंडे टूट रहे थे, तो भाई जो है ना उसको सही कर रहे थे, मम्मी बोल रही थी कि इसमें डंडे लगा दे ये सही हो जाएगी तो दोबारा से दूध भी लो लेंगे इस पर रख के, यहाँ पर मैं ना लेट रही थी तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना भाभी ने धुले हैं, और मम्मी जो है ना पशुओं को घास ओस की तैयारी कर रही, पानी पियाएगी, पानी पिया रही है शायद, हाँ पानी पिया रही है, और फिर घास वगैरह थोड़ा बहुत घास करेगी जो नहीं है उनके आगे, और फिर दूध दाद निकाला जाएगा, वही सुबह शाम पशुओं का काम भी रहता है, तो भाभी नहाई सर धोया तो आज बैठी हुई तोरी काट रही थी, और उनको पता भी नहीं मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी, तो मौसी भी यहीं पर है, और मौसी हमारी एक दो दिन के बाद लौट जाएंगी बोल रही हैं घर जाने के लिए, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कबूतर बैठा हुआ ऊपर छत पे उड़ गया, बड़ा मन लगता है ऐसे पंछी देखने, मौसम थोड़ा सा ना कभी ख़राब कभी साफ, अभी तो साफ है ऐसा ही चल रहा है, तो फिलहाल बच्चे जो है ना साइकिल चला रहे हैं, और ये चला रही है अर्चित चला रहा है कायरो, उसको चलवा रहा है, दोनों भाई लगे रहते हैं मतलब, और मैं लेट रही हूँ,
मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, मैं तो बस लेट रही हूँ। अभी भी मेरी तबीयत जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्या होगा अभी कुछ भी समझ में मुझे नहीं आ रहा। तो ये मीठा जो मम्मी ने घर दिया था वो मैं वापस लेके आई थी। अभी यहाँ पे कोई ऐसा खाने वाला नहीं है, भाभी की भी जाड़ में दिक्कत होती, मम्मी ज़्यादा मीठा खाती नहीं, बस थोड़ा सा बच रहा था, मतलब कह रहे कि पशुओं को डाल देते हैं, महक हो गई थी। मैंने कहा डाल दो, कोई कौन खा रहा है इतना मीठा, बहुत खाया गया। और पापा जी जो है अभी बाहर से आए, थोड़े से पसीने में नहा गए, पापा जी थोड़ा सा चल रहा पसीना आ जाए। पापा जी को अभी शाम का जो है ना दूध निकाल रहा है छोटा भाई, तो इसको मैं बोल रही थी कैसे निकाल रहा है, खींच खींच के उसके थन दुख जाएंगे, है ना, अंगूठा मोड़ के तब निकाला कर मुट्ठी से। बहुत लोग ऐसे सीधे निकालते हैं, पर वो बेर बेर पाँ ठाकती गाय। मम्मी बोली कि छोड़ दे, मैं अपना आप निकाल लूँगी, तुझ पर नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा आराम कर, चिल्ला ले, पूरा घर सिर पर खा ला है, ज्यादा बोल रहा है, चिल्ला बना आदमी देखा बीमार। आज के मैं कमेंट पढ़ रही थी तो अभी किसी ने बोला है ये बीमार है, झूला झूल रही है। अगर आदमी को थोड़ा सा भी आराम है या मतलब उसको खुश करने के लिए उसके भाई भाभी उसकी फैमिली पूरी सक्षम पूरी हर कोशिश कर रही कि चलो वहाँ ले, चलो थोड़ा माहौल चेंज होगा, चलो दीदी चलो घूम जाओ थोड़ा सा, आपका जो है ना मन बदलेगा, या मैं चली गई जिद करके या मैं खुद चली गई या बोलेंगे तो मतलब मैं थोड़ा वहाँ घूम फिर ली, तो उससे भी लोगों को दिक्कत है, उस चीज़ से भी एलर्जी है। मतलब मैं घूमूँ फिर ना बिल्कुल बंद ही पड़ी रहूँ, बिल्कुल हंसना बोलना बंद कर दूँ, या तो खाट पर रहूँ तो ड्रामा बताना शुरू कर दे। मैं कहीं चली गई तो ना कोई घूम फिर से कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करोगे भाई, चेहरा देख के लगा कहीं से भी बीमार नहीं, स्थिति देख रहे हो कितनी काला रंग हो रहा, बिल्कुल आज मेरे बिल्कुल नहीं उठा गया, इतनी बुरी हालत मेरी और थी। ऐसे ही बोल दे, मैं ईश्वर सामने बैठे हैं मंदिर में, बाल गोपाल जी वो इस बात के साक्षी हैं मेरी तबीयत कितनी ख़राब है कितनी ठीक है, थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, निकल गई थी चली गई थी, घूमी आई कुछ सामान भाभी ने लिवा दिया ले आई, ठीक है। उसमें भी लोगों को चला ना, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया ये, जब मैं मर जाऊँगी मेरे बच्चों का भविष्य कौन बनाऊंगा। और मुझे है ना यहाँ आलतू फालतू के जो कमेंट कर रहा है उनको यहाँ सफाई आगे देने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ या मुझे दिक्कत है या है या नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे भैया बाप जानते हैं, मेरे रिश्तेदार जानते हैं, और जो मेरे अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है या जो मेरी वीडियो शुरू से रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है मैं बीमार हूँ या नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा, पर मैं जिस स्थिति में नहीं हूँ जाकर वहाँ काम कर सकूँ, मैं 2 दिन वहाँ रोटी नहीं बनाऊँगी, आप लोग बोल लोगे बच्चे भूखे मार दूँ, घर में साफ नहीं करूँगी, कंद मचा रखी हूँ। मैं खुद कल से वहाँ, कल आ गई थी, आज नेक्स्ट डे हो गया और कल से मैं अब तक उठी नहीं हूँ, बस उसका थोड़ा सा घूम ली, कोई काम मैं नहीं कर सकती, थोड़ा माहौल का भी फर्क पड़ता है, पता नहीं एकदम एक्टिव थी उठी, ज़्यादा दिक्कत थी, पर मैं भाभी को बताती रही, उठी दिक्कत होती रही, बोली हाँ डॉक्टर ने के चले गए, मैं उनको बताऊँ। 2 दिन की वीडियो थी जो मैंने अपलोड करी थी आज, पर लोग अपने कुछ लोगों को मतलब चाहे दूसरे की जान निकल जाओ अपनी गंद काटने से फुर्सत नहीं है। एक ने क्या कमेंट करा, उससे ज़्यादा बोलना नहीं जाएगा, उसका रिप्लाई तो मैं दूंगी, तो मैं जितना जलना है ना जो फालतू के कमेंट कर रहे खूब जलो तुम, ठीक है। मेरे लिए मैं तो बहुत कुछ लूँगी उनसे, जो मेरा जी करेगा वो लूँगी, मेरी भाभी मेरा भाई, अब मेरा पूरा अधिकार है उनका हर चीज़ का, मैं जो मन करेगा उनको बोलूँगी, जो मन करेगा उनसे लूँगी, बोल के लूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगी। इतने सूट थे मेरी भाभी के पास में, उसमें से मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से सूट सेलेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ले लो दीदी जो अच्छा लगे, मैं अपनी मर्ज़ी से लाई, मेरी भाभी ने मुझे प्यारा सा सूट मैंने छाँटा है दे दी दिया, बल्कि वो मुझे कहती कि दीदी सूट देख लो, मैंने देखा, उन्होंने कहा जो उनसे अच्छा लगा उठा लो, तो मैं उस बात से भी दिक्कत होगी कि सूट ले आई, दिखाऊंगी वीडियो में कितना प्यार लग रहा है, इसे जलना है वो जलते रहो, अब मैं तो कुछ करने वाली ना हूँ जो तुम्हें बोलना। पर हाँ एक ने बहुत घटिया कमेंट करा है, उसका जवाब तो देना पड़ता है, प्रिया को एक काम वाली की ज़रूरत थी,
वो अब पूरी हो गई है। अच्छा जी, थैंक यू जी। अगर अपने घर में आदमी थोड़ा ठीक है, एक दो काम कर दे तो काम वाली बन जाना है। तुम अपनी सोच अपनी जेब में रखो, वो मेरे लिए क्या अहमियत रखा है या मैं उनके लिए क्या अहमियत रखूँ, वो तुम्हें आ गए यहाँ सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब जब मुझे हम वो मौका देंगे ही नहीं तुम्हें, अगर अपने घर में काम करने से काम वाली बन जाए तो तुम अपने घर में काम करना बंद करो। पहले तो उन्होंने मुझे बोला नहीं मेरी भाभी ने कि काम करो दीदी, वो मना ही करती रही ये मत करो वो मत करो, पर मैं खुद से करा, जब मेरा जी खुश हुआ था मैंने कर दिया। अपने घर में काम करने से काम वाली नहीं बनते, और वो मेरे लिए उन्होंने कितना करा। तुम आलतू फालतू के लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्या क्या दिया मुझे चलते टाइम में, क्या क्या मेरे लिए लेकर दिया, क्या फल फ्रूट्स वगैरह सब मेरे लिए दिलाए। यहाँ तक कि रोज़ डेली मैं अपनी भाभी से कंटिन्यू बात कर रही हूँ, पर यहाँ के क्या दिखाऊँ, क्या सबूत दूँ तुम्हें। तुम्हें पता दिन में 2 बार फोन आ रहे, 4 बार फोन आ रहे, कितनी बार हम बात कर रहे, क्या वो पूछ रही क्या नहीं पूछ रही, सफाई नहीं लेनी यहाँ आके हमें, वो हमें पता है। ये अपनी सोच अपनी जेब में रखो, वो मेरा घर है, यो भी मेरा घर है, वहाँ भी मेरा घर है, जहाँ मेरा मन करेगा मैं काम करूँगी, जहाँ मेरा मन करेगा मैं जाऊँगी। आपने शायद उनकी वीडियो में सुना ना हो, उन्होंने कहा जितना अधिकार हमारा उतना ही दीदी का, और मैं और मेरी भाभी बहुत खुश हैं। तो आलतू फालतू के कमेंट करके ये मैं सोचूँ कि तुम हमारे रिश्ते में बिगाड़ ला दो, तो वो तो अब नहीं आने वाले, ठीक है जी। और जो अपने घर में काम करने से काम वाली बन जाते हो, तो तुम अपने घर में काम करना बंद करो, पहले तुम बहन, ठीक है, क्योंकि तुम अपने घर में काम करोगे तो काम वाली बन जाओगे। मुझसे बोलना नहीं चाहता, पर कुछ लोग अपने घटे अपन किसी बाज नहीं रखते। बच्चों का भविष्य मेरे से तो जुड़ा। मैं बोल रही थी कि ससुराल जाऊँगी, तुम्हें बताऊँ, मैंने बोला कि यहाँ से जाकर एक हफ्ते बाद ससुराल चल जाऊँगा, तो मेरे भैया भाभी ने सीधे सीधे बोल दिया कि तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट बताया, बिल्कुल भी जाने का नाम मत लो, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी, मर जाओगी तो कल बच्चों का क्या होगा। अब तुम चली जाओगी, जाकर काम भी करोगी, झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ करोगी, क्योंकि तुम्हारा कोई करने वाला नहीं है। और अब जिस हालत में ना, उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। ज़िंदगी तो बैठी हो, फिर ऐसी भी नहीं रहनी, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा काम कर लूँगा ब्लीडिंग शुरू हो जाऊंगी, मुझे इतनी दिक्कत है। पर फालतू लोगों को कहाँ समझ में आओगी ये चीज़।